ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बुक अ पैक्ट विद द सन। तो यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें कि हम दो चिड़िया हैं उनकी स्टोरी उनकी कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं कि हम इस स्टोरी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला की पॉइंट है कि स्टोरी में हम जानेंगे अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, कि एक जंगल था और उसमें एक पक्षी और उसके दो बच्चे रहा करते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो उनकी माँ थी उनकी एक तूफान में मौत हो जाती है और उनके दो बच्चे छोटे छोटे नन्हे बच्चे वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और उन दोनों बच्चों को ही अलग अलग घर मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है कि एक चिड़िया और उसके दो नए जन्मे बच्चे उसके साथ जंगल में रहा करते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ देयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो उनका एक बड़े से विशाल लंबे ऊंचे पेड़ में छायादार वृक्ष में अपना एक घोंसला था, नेस्ट था, जहाँ के मदर बर्ड जो बच्चों की मम्मी थी वो अपने बच्चों का ख्याल रखा करती थी। सुबह और शाम दिन से लेकर रात तक वो अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। हर मदर अपने बच्चों का ख्याल ऐसे ही रखती है। वन डे, एक दिन की बात है, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा तूफान आया, आंधी आई। स्टॉर्म मीन्स आंधी। देयर वॉज थंडर, वहाँ पर आंधी थी, तूफान था। लाइटनिंग, बिजली कड़क रही थी। एंड रेन, और बारिश थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा इतनी ज़ोर से चल रही थी कि इट ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, कि बहुत सारे पेड़ों को इसने गिरा दिया। किसने गिरा दिया? हवा ने गिरा दिया। हवा से कई सारे पेड़ टूट गए और गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, वो जो लंबा वृक्ष था जिस पे कि ये चिड़िया रहा करती थी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, एक बड़ी बहुत ही भारी शाखा ब्रांच हिट द नेस्ट, घोंसले पर गिरी, जिससे कि जो उसमें मम्मी रहती थी बच्चों की, चिड़िया की जो मम्मी रहती थी, वो मर गई, उसकी मौत हो गई। फॉर्चुनेटली, किस्मत से, फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और किस्मत की बात ये है, बाय लकीली बाय चांस कह सकते हैं, कि जो नन्हे पक्षी थे उन्हें जो हवा का झोंका था वो उन्हें जंगल के दूसरे छोर पर उड़ा करके ले गया। वो इतने हल्के इतने लाइट वेट थे कि हवा के झोंके से वो उड़ के जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, उनमें से जो एक पक्षी था वो एक गुफा के पास पहुंच गया। केव मीन्स गुफा। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर कि लुटेरों का एक ग्रुप, एक गैंग रहा करता था। रॉबर्ट्स मीन्स लुटेरे। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंट अवे, और जो दूसरा वाला पक्षी था वो एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया। तो दोनों पक्षी जिन्हें हवा उड़ा करके जंगल के दूसरे छोर पे ले गई थी, उनमें से एक पक्षी रॉबर्ट्स की गुफा के पास पहुंच गया और हमारा जो दूसरा पक्षी था वो ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गया। और ये दोनों ही ज़्यादा दूर नहीं थे, थोड़ी ही दूरी पर थे। ओके, नेक्स्ट पैरा कह रहा है, डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, दिन बीतते गए, डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो छोटे नन्हे पक्षी थे वो अब धीरे धीरे बड़े हो गए थे। वन डे, एक दिन की बात है, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, कि उस कंट्री, उस देश का जो राजा था वो एक बार शिकार को वहाँ पर आया। हंट मीन्स शिकार करना। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरन को देखा और वो उसके पीछे दौड़ चला, अपना घोड़े को उसने दौड़ाया। रोड मतलब घुड़सवारी करना, ठीक है। तो वो घोड़े पर अपने घोड़े को उसने दौड़ाया और उसने उस हीरे हिरन का, जैसे कि वो शिकार करना चाहता था, तो उस हिरन का उसने पीछा किया और वो उनके पीछे दौड़ पड़ा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और फिर जो हिरन था
वो दौड़ते 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 जंगल की बहुत गहराई में, बहुत अंदर घनेरे जंगल में पहुंच गया, क्योंकि जो किंग था वो उसका पीछा कर रहा था। फॉलो मतलब पीछा करना। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज। और बहुत ही जल्द हिरन का पीछा करते करते हिरन तो यहाँ वहाँ जंगल में चला गया, लेकिन उसके पीछे पीछे जो राजा था वो भी जंगल में गायब हो गया। वो भी कहाँ पहुँच गया उसे पता भी नहीं लगा कि कब किंग जंगल में गायब हो गया। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो तब तक सवारी करते रहा घोड़े की जब तक कि वो फॉरेस्ट के दूसरे किनारे नहीं पहुँच गया। कौन? द किंग। ठीक है, वेरी टायर्ड बाय नाउ। और अब तक किंग इतने देर से किंग दौड़ ही रहा था कि अब वो थक गया। टायर्ड मतलब थक जाना। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। तो फिर वो अपने घोड़े पे से उतरा और एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गया। दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि उस गुफा के पास था। कौन सी गुफा? वो रॉबर्ट्स वाली गुफा। ठीक, वहाँ पर एक पेड़ था और राजा थक गया था, इसलिए वो अपने घोड़े से उतर के उस पेड़ की छांव में जाके बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। तो अचानक से, सडनली मीन्स अचानक से, ही हर्ड, हर्ड मतलब सुनना, राजा ने सुना एक वॉइस, एक आवाज़ सुनी उसने, क्राई आउट, जो कि चिल्ला रही थी, क्विक हरी अप। क्विक मतलब जल्दी से, हरी अप मतलब फटाफट से, जल्दी आओ, जल्दी आओ। देर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है। तो राजा ने क्या आवाज़ सुनी? राजा ने सुना कि अरे सुनो, जल्दी आओ, पेड़ के अंदर कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ जल्दी से, उसके सारे जेवर ले लो और उसका घोड़ा ले लो। हरी और एल्स हिल स्लिप अवे। जल्दी आओ वरना ये भाग जाएगा। ये आवाज़ उस राजा ने सुनी। द किंग वॉज अमेज्ड। किंग जो था उसको बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही लुक्ड अप एंड saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. तो उसने सोचा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर उसने ऊपर देखा। ही लुक्ड अप, लुक मतलब देखना, एंड saw a big brown bird. और उसने क्या देखा? उसने देखा एक बड़ी ब्राउन कलर की एक बर्ड उस ट्री पर है, जिस ट्री के नीचे की राजा बैठा हुआ था। अंडर ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। ही also heard faint noises issuing from the cave. तो उसको कुछ हल्की हल्की आवाज़ें उस गुफा के अंदर से भी आती सुनाई दी। जब चिड़िया ने आवाज़ लगाई गुफा के अंदर के लोगों के लिए कि जल्दी आओ और राजा का जेवर लूट लो, उसका घोड़ा लूट लो इससे पहले कि वो भाग जाए, जल्दी आओ जल्दी आओ, फिर उसकी आवाज़ सुन के केव में से लोग बाहर आने लगे होंगे। जब कोई बाहर आ रहा था तो उसकी आवाज़ें राजा को सुनाई दे गई। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। फिर राजा फटाफट से उठा, ठीक है, और अपने घोड़े पर बैठा और फिर घुड़सवारी करते हुए और अपने घोड़े के साथ दौड़ता हुआ वो मतलब वहाँ से भाग गया। जितनी तेज़ वो भाग सकता था उतनी तेज़ वो वहाँ से भागा। एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज़ वो जा सकता था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक की स्टोरी हमने समझ ली है। आज हम यहीं पर ब्रेक लगाते हैं। कल हम इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल आपको समझाएंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे दोबारा से रीड करेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं आप उन्हें मार्क करेंगे, उनकी वर्ड मीनिंग लिखेंगे। आई होप मैंने सारी वर्ड मीनिंग्स क्लियर कर दी हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे वो वर्ड मीनिंग पूछ सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, कि इस जो चैप्टर है इसे हम दूसरी कॉपी में करेंगे, तो मैं आपसे बोलती हूँ कि आप सभी, आई अर्ज यू ऑल, सभी से कह रही हूँ कि प्लीज़ आप एक और कॉपी इंग्लिश की बना लें, जिसमें कि आप लिखाई गई नोटिस को लिखेंगे और उसके बाद हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज भी उसी कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप कॉपी खरीद लीजिए इसके लिए, ताकि हम इस चैप्टर को भी आगे कैरी ऑन कर सकें। तो हाफ स्टोरी आपको समझ में आ गई है बच्चों, बाकी की स्टोरी कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इतने में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए।